ये कौन कर दिया आधा अब क्या ये अच्छा कोयल खाती है हे गाइस कैसे हो आप सब। तो ये समय है सुबह का और मैंने आपसे बताया था कि पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं तो इस समय हम अपने पितरों को पानी देते हैं। तो बस वही है यहाँ पर गुनी के पापा पानी दे रहे हैं और इसके बाद फिर जो है ये देखिए यहाँ पर दीपक जलाएंगे धूप जलाएंगे ये मेरे फादर इल्ला हैं और बस इसके बाद रोटियाँ बन गई थी। तो सबसे पहले गाय को उसके बाद कौवे को और उसके बाद कुत्ते को देने के बाद ही हम खाते हैं। तो ये सामने घर के सामने ही हमारे यहाँ पर गाय भैंस सब रहती हैं तो ये यहाँ पर गाय को खिला रहे हैं और शरद अपनी बच्चिया के पीछे ही लगे रहते हैं कि बच्चिया बच्चिया मेरी बच्चिया। तो बस यहाँ पर गैया को देने के बाद ये रहा यहाँ पर घर में रख रहे हैं कौवे के लिए और सबसे लास्ट में देंगे कुत्ते को जो कि हमारे यहाँ रहता ही है मतलब घर के बाहर घर के अंदर मिला के टॉमी रहता है। और ये देखिए इन दोनों लोगों को मतलब कि मैं आरती कर रही हूँ और ये दोनों लोग पीछे जोकर बनके डांस कर रहे हैं और जब मैंने पीछे मुड़कर इन्हें घूरा तो बस ये लोग हट गए वहाँ से तुरंत ही। इनकी भी हमेशा ही कुछ ना कुछ चलती रहती है और शाम की आरती हो चुकी है। राधे राधे कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में होंगे सुरक्षित होंगे। इस समय कोरोना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहाँ देखो वहीं सुनाई पड़ता है कि आज वहाँ कोरोना पेशेंट निकले आज वहाँ कोरोना पॉजिटिव है। तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इस समय कोरोना फैल रहा है बस महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार भी क्या करे कहाँ तक बंद करेगी। स्कूल वगैरह भी बच्चों के खुलने से रहे और बुरी शरद यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चलती हैं लेकिन हमने आपसे पहले भी बताया था कि मैं अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराती हूँ क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में है कि जितना तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं उससे ज़्यादा उन लोगों का उसमें नुकसान है। सुबह 8 बजे से दोपहर में 2 बजे तक ऑनलाइन पढ़ाई होती है नॉन स्टॉप 15-15 मिनट की गैपिंग पर होती है। लेकिन मोबाइल एक समय ऐसा था कि मतलब हम अपने बच्चों को मोबाइल देते भी नहीं हैं मतलब हम तो बिल्कुल नहीं देते हैं हमारे बच्चे बिल्कुल भी मोबाइल नहीं छूते हैं ना हम छूने देते हैं। और अब ऐसा है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अपने ही हाथों से देना है कि लो नहीं भैया पढ़ लो लो नहीं बेटा पढ़ लो। तो इस वजह से हम लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं करेंगे सीधे एडमिशन होगा अब 21 में ही होगा। ये 20 तो गया कितने दिन बचे हैं यार आधे से ज़्यादा तो बीत चुके हैं तो कितने दिन बचे हैं। बुक्स आ गई हैं बुक्स हैं पढ़ाई करते हैं ट्यूशन लगा दिया है ट्यूशन में भी पढ़ लेते हैं। तो बस तैयारी रहे कि देखा जाएगा बाकी आगे क्या है। और इस समय बज रहे हैं 8 और मुझे बनानी है सब्जी शिमला मिर्च की और दाल मैंने बनाई है चने की और कद्दू मिक्स करके लद्दावा। आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे लद्दावा मैं हम लोगों के यहाँ तो लद्दावा ही बोलते हैं। और पूरी शरद पढ़ाई कर रहे हैं आपको दिखाते हैं अभी। और लद्दावा की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी आप वहाँ से देख सकते हो। और पूरी शरद कह रहे थे मम्मा चलो ड्राइंग चैलेंज करते हैं लेकिन मैंने कहा आज नहीं करेंगे आज शरद को होमवर्क काफ़ी मिला है तो उनको होमवर्क से ही फुर्सत नहीं है और पहले वो कर लेते हैं फिर किसी दिन और करेंगे ड्राइंग चैलेंज। और ये देखिए इन दोनों लोग को मैं आपको दिखाती हूँ दोनों लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के लिए मुझे प्रेशर नहीं डालना पड़ता बिल्कुल क्योंकि पिटाई होती है सर से इसलिए खुद से ही अपना काम खुद ही होता है कि नहीं मुझे करना है नहीं तो सर जी पिटाई पे पिटाई करेंगे। ये देखिए तो ये देखिए ये दोनों लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और आज इन्होंने खूब पढ़ाई की है क्योंकि होमवर्क के सर ने इतना दे दिया था कि जिससे इन लोगों को टाइम ही ना मिले बिल्कुल भी इधर उधर मस्ती करने का खेलने का। साइंस का काम मैथ का काम और शरद को आप देख सकते हैं एकदम से परेशान हो चुके हैं। बस मैं चल रही हूँ अब खाना बनाने तो यहाँ पर मैंने दाल बना ली थी पहले से बस फ्राई करना बाकी था तो दाल मेरी बन चुकी है और इसके बाद अब बनाऊँगी शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो शिमला मिर्च की मैंने सब्ज़ी पहले से काट के रख ली है और यहाँ पर पैन में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच सरसों का तेल और तेल को गर्म हो जाने देंगे। तो और ये देखिए शिमला मिर्च को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है कट कर लिया अंदर का सारा पार्ट इसका निकाल दिया है।
तो बस इसे हमें एक एक करके इसके अंदर सेट कर देना है और लगभग एक दो से तीन मिनट तक इसे सॉटे कर लेना है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे पहले, मतलब दो बार तीन बार चला लेंगे, उसके बाद उल्टा करके इसे हम दो या तीन मिनट के लिए, मतलब दो ही मिनट के लिए एक्चुअली बस इसे ढक देंगे जिससे एक बार सॉफ्ट हो जाए। आप लोगों में से कई लोग देखे होंगे कि शिमला मिर्च में सब्जी बनाओ तो काफ़ी छिट्टे आते हैं, ऐसा करने से छिट्टे नहीं आते हैं, ये मेरी टिप्स हैं। तो बस यहाँ वापस से मैंने यहाँ पर डाला है एक चम्मच सरसों का तेल, इसमें डाल दिया है जीरा और यहाँ पर इसके बाद डालूंगी थोड़ी सी सौंफ, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। लहसुन और मिर्च डाल दिया मैंने बारीक कट करके, और आप चाहो तो मतलब लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो लेकिन मैंने कट करके डाला है। और उसके बाद ये प्याज और ये शिमला मिर्च के अंदर का जो पार्ट मैंने कट करके निकाला था वो भी डाल देंगे, और थोड़ी सी अदरक इसमें लगभग एक इंच की ग्रेट कर देंगे। और बस इसके बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और उसके बाद इसे दो मिनट के लिए चला लेंगे। इसको मतलब जलाना नहीं है, लाल नहीं करना, बस हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे सब्जी मसाला, और उसके बाद मिक्स करके उसके बाद इसमें डाल देंगे हम आलू। तो यहाँ पर बॉयल आलू मैंने इसमें डाल दी और बस तैयार है हमारी स्टफिंग की आलू। काफ़ी टेस्टी शिमला मिर्च की सब्जी इस तरह भरवा सब्जी बनती है, आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर आलू भुन चुकी है, अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे प्लेट में। और सेम पैन में मैंने यहाँ डाल दिया है दो चम्मच सरसों का तेल वापस से, और बस यहाँ पर मैंने ये देखिए शिमला मिर्च में सारी आलू को फिल कर दिया है अच्छे से, और इसे इसमें सेट कर देंगे। और इसके बाद सेट करने के बाद इसे ढक कर अलटते पलटते बीच बीच में खोलते हुए हमें पका लेना है अच्छे से। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर लगभग मुझे 20 से 25 मिनट लगे अलटते पलटते हुए मैंने अच्छे से इसे बना लिया है। तो बस यहाँ पर शिमला मिर्च की सब्ज़ी रेडी है। लास्ट में मैं इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दे रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। रोटी से तो ये सब्ज़ी लाजवाब ही लगती है, तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो बस यहाँ पर सारे काम मतलब हो चुके हैं, खाया किसी ने या नहीं अभी, तो बस सारे किचन की रूटीन मैंने कम्प्लीट कर ली है। सो गाइस यहाँ पे सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं, मैंने सारे बर्तन भी धुल लिए हैं लेकिन अभी खाया किसी ने नहीं है। 9:30 हो रहे हैं लगभग, हाँ 9:30 हो रहे हैं, यानी कि 10:15 बाकी हैं। और अम्मा भी नहीं है, अम्मा अभी बगल में किसी के घर गई हैं, उनके यहाँ बेटी हुई हैं तो कुछ गाने वाने का प्रोग्राम है तो इसलिए गई है, वो आई थी बुलाने। और गुनी शरद भी अभी नहीं खाए हैं, कह रहे थे पापा के साथ खाएंगे क्योंकि अभी पापा उनके आए नहीं हैं। तो बस अब यहाँ पर खाना वाना हो जाएगा, तो बर्तन तो मैंने जो एक्स्ट्रा जो कुछ थे सब साफ़ कर लिए हैं, किचन भी मैंने ठीक ठाक ही कर लिया। लेकिन अब जब किसी ने खाया ही नहीं है तो फिर जो होता है ना डेली की रूटीन फिनिश करने वाली रात की, वो कैसे करूँ जब खाया ही नहीं किसी ने। तो अब यहाँ पर करूँगी वीडियो का इन, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।